नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। इस समय हम हैं कुचानकोट विधानसभा में, जो कि बिहार के गोपालगंज जिले में पड़ता है। यहाँ हमारे इस गांव के यहाँ पे सरपंच हैं, मुखिया हैं, जिनका नाम है भूपेश चौबे। आइए जनता, भूपेंद्र चौबे, आइए यहाँ पे जनता से बात करते हैं कि इस बार किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी। सर, ये बताइए किसकी सरकार यहाँ बन रही है, कुचानकोट से कौन जीत रहा है? अमरिंदर कुमार पांडे जीत रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। जी, आप तो मुखिया हैं, आप बताइए क्या क्या काम सरकारी यहाँ पे हुआ है जिससे लोग उनको पसंद कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार के सौदर्भ से सबसे पहले पेंशन हुआ है, जो पेंशन खाली बीपीएल पर होता था। नीतीश कुमार जी बीपीएल को माइनस कर दिया और सब 60 वर्ष के ऊपर जितना लोग हैं, सभी को, हर जात से जो 60 का ऊपर है जनरल करके और सब पेंशन कर दिया। कितना पेंशन दे रहे हैं? अरे, हमारे पंचायत में 600 से ऊपर पेंशन हम किए हैं, नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री। जी जी जी, 600 से ऊपर है एक पंचायत में। इस तरह तो जिला और मिति में बहुत। एक व्यक्ति को कितना पेंशन मिलता है? 400 रुपया मिलता है। जी सर, 400 महीने में। वृद्ध व्यक्ति? जी, वृद्ध व्यक्ति जो 60 से ऊपर है। जी, और क्या क्या काम? उसके बाद से गली नली है, जल नल है, हर घर में जल का शुद्ध जल नीतीश कुमार के अथी से मिला है, सौदर्भ से। पंचायत में जितने नली गली है, पक्कीकरण है, वो हुआ है। बहुत रोड पुलिया बना है, नीतीश कुमार के सरकार में अमन चैन है, कहीं जाइए कोई डर नहीं है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 15 साल हो गया है तो किसी नए को देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, 15 साल पहले तो भी लोग देखे हैं उसको, 15 साल सरकार में देखा है। क्या था 15 साल? 15 साल पहले ना एक रोड था, ना बिजली नहीं आती थी, जंगल राज था, कोई बाहर घर से नहीं निकलता था। आप तो आधा रात से आइए, 12 बजे आइए, 10 बजे आइए, आराम से आइए, कोई डर नहीं है, एकदम अमन चैन का राज है। ये बताइए, आप युवा है तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं रोजगार देने के लिए, 10 लाख रोजगार वो देंगे, तो मतलब उनके पक्ष में है? जी नहीं, पर से नहीं, रोजगार नहीं चाहिए। नहीं, वो रोजगार कितना दिए हम लोग देख लिए हैं पहले से। देंगे रोजगार? और उनके पास कहाँ से है? अपने लिए कुछ नहीं है तो दूसरों को क्या रोजगार देंगे? खाना है क्या? फैक्ट्री है, रोजगार नहीं दे पाएंगे वो कहाँ से रोजगार देंगे? जंगल राज बना कर रख दे रहे हैं तो रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार देंगे जी, वो रोजगार देंगे, जंगल राज बनाएंगे, बंदूक रख रखा देंगे, माफिया करेंगे, ये सब रोजगार दे देंगे 10 लाख सारे लोग रोजगार देंगे? हाँ, पढ़े लिखे लोगों को क्या करेंगे? गुंडा बारा बना देंगे, लाठी लेकर चलिए जगह जगह, आप पकड़मारी कीजिए, बाइक छीनिए, ये सब रोजगार तो मिल जाएगा 10 लाख। वो बोल रहे हैं 10 लाख देंगे तो भरोसा। विद्यालय बनाएंगे और क्या करेंगे, यही सब करेंगे। आप बताइए चाचा, वो जो बोले हैं सब ठीक है? सब ठीक है, मुखिया जो बोले जितना बोले हैं वो सब। अच्छा, लोग ये अभी कहते हैं कि जो यहाँ पे विधायक 4 बार से हैं, पप्पू पांडे, जो जदयू के टिकट से लड़ रहे हैं, बोलते बाहुबली हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय विधायक इस विधानसभा से जो 4 बार से जीते हुए हैं, 5वीं बार भी जीत चुके हैं। जीत चुके हैं? हाँ हाँ, वो जीत चुके हैं। इसमें कोई 110% सत्य है कि 5वीं बार माननीय अमरेंद्र कुमार विधायक बन चुके हैं। बस केवल प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और वैसा विधायक मैं बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहूँगा कि अमरेंद्र पांडे जैसे विधायक हर समाज के, हर बिरादर के लोगों के चहेते विधायक हैं। वो कोई भी जाता है खाली हाथ नहीं आता है, वो ऐसा विधायक है, वैसे विधायक, वैसे विधायक, एक सेकंड, वैसे विधायक को मैं कामना करूंगा कि बिहार से 243 विधानसभा क्षेत्र से वैसे विधायक चुन कर आए जैसे बिहार को कल्याण होगा, हर तबके के समाज के हर वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। मैं जहां तक नीतीश सरकार की बात है, नीतीश सरकार आज के 15 साल पहले यह बिहार कहां था, किस जगह खड़ा हुआ था कि कोई किसी घर के बेटा, बहन, भाई, बंधु जाते थे जिला में या कहीं जाते थे, वो सही सलामत घर लौट के नहीं आ पाते थे शाम तक। गुंडा राज, भयंकर गुंडा राज था यह 15 साल में। लोग चैन के नींद। तेजस्वी कह रहे कि हमारे पिता का, चलिए हम क्षमा मांगते हैं लेकिन हमको एक बार अवसर दीजिए। तेजस्वी यादव जिसके माता पिता दोनों बिहार के सीएम रह चुके हैं, जिनका माता पिता दोनों बिहार का सीएम रह चुके हैं, उनके, सुनिए ना भाई, उनके लड़का 8वां पास है, वो दूसरे का शिक्षा कहाँ से दे सकते हैं? वो झूठा सपना दिखा रहे हैं,
उनके बात में कोई विश्वास नहीं कर सकता है। कोई जुआ के कह रहे हैं 10,000 जुआओं का नौकरी देंगे, 10 लाख कहाँ से देंगे? वो खुद जुआ है, उनके माता पिता सीएम थे इस बिहार का, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, वो 8वां पास हैं, वो दूसरे के भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये उनके कल्पना से बिहार का चयन नहीं होगा। वो फिर बिहार को जंगल राज के तरफ ले जाना चाहते हैं। उनका मेन मकसद है कि हम महागठबंधन बनाए हैं, सब चोर इकट्ठा हो चुके हैं, फिर बिहार को उस जंगल राज में ले जाके धसेल दें कि जहां तरसते थे लोग कि 24 घंटे में बिजली कब आती है, कितना दिन रहेगी 24 घंटा, इस समय 24 घंटे में कम से कम 22 घंटा तो सियोर है। अच्छा, ये बताइए पप्पू पांडे को कहते हैं कि कोई भी जाके उनसे मिल सकता है, ऐसे विधायक है, सही बात है? सही बात है, कोई जाकर बच्चा से लेकर बुजुर्ग कर लेकर कोई जात धर्म नहीं है, कोई मिल सकता है। वाखो जी का धर्म नहीं है, छोटा बच्चा भी जाकर मिल सकता है, छोटा बच्चा भी जाकर उनसे मिल सकता है जी। वो किसी जाति बिरादरी के विधायक नहीं है, वो आम आदमी के विधायक है, हर पब्लिक के विधायक है। आप बोल रहे थे युवाओं का नौकरी, नौकरी 10 लाख 10 लाख जिनके प्रत्याशी राजद के भी आए हैं, कोई आप जानते होंगे कांग्रेस से, वो बोल रहे हैं काली यादव, काली पांडे जी जो बोल रहे हैं, जो जनता को सेवा करने वाले पप्पू पांडे उनके संरक्षक कार्यकर्ता हैं, उनको बोल रहे हैं कि गोलियों से भुंगवा देंगे, किसको कार्यकर्ता से गोलियों से खाली करा देंगे, वैसे वैसे नेता को हम लोग चुन कर क्या करेंगे बताइए? इनके चौरासी में यहाँ की जनता मौका दी थी, 84 में सांसद बनाई थी, उसके बाद उनको नकारते 17 बार हारे, क्यों हारे उनको समझना चाहिए ना, यही जब यही भाषा होगा जी गोलियों से भुंगवा देंगे, जनता को सेवक को आतंकवादी बनाते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले सुने कि पप्पू पांडे के काफिले पे पत्थरबाजी हुई है, हाँ वही कराए हैं, उन्होंने करवाया है, उन्होंने करवाया है अपने लोगों से, क्या करवाए हैं, चुनाव हारे इसीलिए कराए हैं, झांसे के लिए, झांसे में जनता आने वाली नहीं है, जनता को भड़काने के लिए अच्छी तरह से यहाँ की जनता समझ चुकी है, पप्पू पांडे फिर से विधायक बनेंगे ये निश्चित है, बनेंगे नहीं ये मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए उनका भाषण है। अच्छा ये बताइए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है एनडीए की सरकार बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, ऐसा कोई बात नहीं, उससे ईमानदार कौन व्यक्ति है, बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान लेवल में, क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जो एनआरसी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हर पार्टी का अलग अलग सिद्धांत होता है, अलग अलग सिद्धांत पर वो चलती है, विचार पर चलती है जी। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में अटूट में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीतीश कुमार के सरकार बनेगा, नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके कोई रिश्तेदार का नाम नहीं जानता है, कोई बेटा का नाम नहीं जानता है, कोई उनका भाई का नाम नहीं जानता है, लेकिन देखिए पूर्व जो मुख्यमंत्री रहा है पूरा परिवार बाद लेकर चला है, उनका बेटा है, साला है, ससुर है, मामा है, काका है, सब नीचे से ऊपर भरा है, लेकिन नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा छवि के काम तो अच्छा किए बिहार में, हम देख भी रहे हैं जैसा बिहार को टेलीविजन में फिल्मों में दिखाते थे कि अपहरण मूवी एक बनी थी गंगा जल की, बिहार में जंगल राज है, लेकिन अभी जब से हम बिहार में आए हैं देख रहे हैं कि सड़कें हैं, 24 घंटा बिजली है, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, तो नीतीश कुमार काम तो किए हैं, ये बात तो है, लेकिन ये बताइए कि जो भाजपा और लोजपा मिलकर सरकार बना सकती है क्या? ऐसा नहीं, लोजपा तो अलग हो गई है, लोजपा तो भाजपा से अलग, सिर्फ काटने के लिए, काटने के लिए, वोट काटने के लिए, लोजपा कोई नहीं, लोजपा को कोई वोट नहीं, उसको तो कोई पहचानता भी नहीं है, लोजपा कह लिया आएगा, लोजपा को नहीं देंगे, गठबंधन में है, गठबंधन में हम है, गठबंधन में वीआईपी है, हम है, बीजेपी है, और जो है नीतीश कुमार है, झांसा में जनता नहीं आने वाली, नहीं आने वाली वो लोग, बिहार की जनता समझती है, आज बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस पैदा होते हैं, ये अब बिहार की जनता बुद्धू नहीं है, बिहार की जनता समझती है, जो अपने ऑर्डर को नहीं रखा वो बिहार का चलाएगा, वो अपने ऑर्डर को हटा दिया, हाँ तो नहीं तो मोदी जी के बारे में भी नहीं, मोदी जी तो मोदी जी दूसरा आदमी है, मोदी जी जैसा आदमी नहीं हो सकता है ना, कोई सन्यासी है मोदी जी, मोदी जी जैसा आदमी अभी कोई नहीं हुआ है ना कोई होगा। अब बताइए चाचा किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा यहाँ से? तीर्छा पप्पू पांडे, आप बताइए। हाँ हाँ तीर्छा, हम तो भाजपा का खुदे कैंडिडेट है, मिल हाँ
हम एथी हम वहाँ का एथी चुने गए हैं। अच्छा, हाँ भाजपा का हम एथी चुने बूथ अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, अब बताइए, अभी फोन आया तीर पर जगह पप्पू पांडे को। हाँ, पप्पू पांडे एकदम पांडे को नहीं, पप्पू जी को, पप्पू जी को जय हो, पप्पू जी को जय हो। पप्पू जी काम किए हैं, हाँ बहुत काम किए हैं, काम किए हैं, वोट दे देंगे। काली पानी एक काम नहीं किया है, काली पानी को नहीं जानते है। काली पानी का काम है खाली आतंकवाद फैलाना, जितना फालतू का काम है वही वो बोलेंगे। बोलते हैं जितना कार्यकर्ता है सबको गोली से भुजवा देंगे, किनको किनको भुजवाएंगे और गोली के कहां से भुजवाएंगे? इतना ज्यादा पावर हो गया उनके पास का, गोली से भुजवा देंगे, खड़ा करेंगे। ऐसा ऐसा गोली हम लोग कितना जानते हैं, हम लोग भी अगर चाहेंगे तो काली पानी से लड़ सकते हैं। जैसा वो नारायणपुर में कल करवा दिए, हम लोग यहाँ कर सकते थे खुटवनिया गाँव में, लेकिन हम लोग का विधायक जी ऐसा नहीं बोले हैं। हम लोग का विधायक जी बोले हैं कि शांति पूर्वक से मतदान होना चाहिए, सब लोग जाके वोट दीजिए जिसको काली पानी का काम है, आलतू फालतू काम जिसको जहाँ इच्छा है वहाँ वोट दे, किसी से झगड़ा नहीं करना है। भगवान है जी। हाँ बताइए, पप्पू पांडे कुचायकोट के लिए भगवान है। भगवान कैसे है मतलब? अरे वहाँ यहाँ बहुत विकास करते हैं वो। क्या काम किए हैं? बहुत कुछ, यहाँ जहाँ भी देखिए वो विकास कर रहे हैं। विकास किए हैं? हाँ बहुत विकास किए हैं। काली पांडे नहीं करेंगे? काली पांडे तो जीत जाएंगे और दिल्ली भाग जाएंगे। दिल्ली भाग जाएंगे? अब जिसके पास 2-4 हजार होगा उन जाएगा दिल्ली उनसे मिलने के लिए। गरीबी अंतर तो उनके पास तो है। पप्पू पांडे से सबको मिल सकता है वहाँ? पप्पू पांडे के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। आप जो भी हो, जो भी गरीब जनता हो उनके पास जाइएगा, वहाँ आपकी जरूर मदद करेंगे। मदद करेंगे जरूर।